ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सेकंड हाफ। पहले हाफ में अभी हमने दो सवाल सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को भी देखी और इंटरेस्ट इन एक्सपेंस को भी देखा, नेट ऑफ करके कैपिटलाइजेशन की और फिर एसेट की कॉस्ट भी कैलकुलेट की। क्वेश्चन 6 में 3 बोरोइंग्स थी, एक इनरेलीवेंट थी, 2 रेलीवेंट थी, 2 एसेट बन रहे थे, एक रेलीवेंट था, एक इनरेलीवेंट था। रेलीवेंट अमाउंट्स को यूज करके हमने बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट की। अब हम सेकंड पार्ट पे जो आज पढ़ लें, आज का हमारा सेकंड हाफ, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये सवाल होमवर्क के तौर पे आपने करना है। ये सवाल इतना ही आसान है और मैं हकीकत में आपको बताऊंगा, ये सवाल वही सवाल है जो मैंने अभी लास्ट सेशन में एक सवाल सॉल्व किया था। असल में है तो जनरल बोरिंग, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना तो इस सवाल में सीन ये है कि क्वेश्चन 5 तो आपको याद है ना, अभी हमने किया है। असल में ये क्वेश्चन 5 जो था ना, ये था ACCF7। मैंने आपको बुक भी दी है, ये आईसीएमई के पास पेपर का सवाल है, क्वेश्चन 6 अगस्त 2013, 4 नंबर का सवाल। असल में सवाल कॉपी करके थोड़ा सा इसको बस चेंज किया है और उसने एग्जामिनर ने एक मेहरबानी और ये की है कि जो रेलिवेंट फिगर्स थी ना वो दिए, इन रेलिवेंट फिगर्स आपको। और मैं ये समझता हूँ, अगर आप भी देखेंगे आप कुछ ज्यादा समझदार है, कि इस सवाल में एग्जामिनर ने हर चीज को 2 से डिवाइड कर दिया। कैसे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2 बैंक लोन ऑन July 1, वहां पे साल शुरू हो रहा था Jan 1 से, यहाँ कब से स्टार्ट हो रहा है, कोई मसला नहीं है। वहां का पहला लोन 120 मिलियन, ये कितना है? वहां था दूसरा लोन 80 मिलियन, ये कितना है? अगर 120 को 2 से डिवाइड करें 60, 80 को 2 से डिवाइड करें तो 40। रेट भी सेम है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आप एवरेज निकालोगे ना वो भी सेम रेट आएगा, 9.8 आएगा, सेम आएगा। फिर आगे कहते हैं कि July 1, 2012 एबीसी कंपनी बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स, वही वर्ड यहाँ पे आ गया। यानी और आपको पैसे वहां कितने चाहिए थे? 50 का आधा कितना होता है? यहाँ देखिए आपने 25। एक्सपेंडिचर्स ड्रॉन आउट वॉज 15 मिलियन, वहां 30 मिलियन ड्रॉ किए थे पहले, और वहां कब किए थे? Jan 1 को। यहाँ कब कर रहे? क्योंकि वहां साल का पहला दिन क्या था? Jan 1। यहाँ साल का पहला दिन क्या है? July 1। उसके बाद आखिरी के 3 महीनों में विड्रॉ किए थे वहां, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। या जुलाई से साल स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? जून में एंड होगा ना। तो इसका मतलब है आखिरी 3 महीने क्या होंगे? अप्रैल में जून। अब आप देखिए अप्रैल में इन्होंने 10 मिलियन विड्रॉ किए। बिल्कुल वही सवाल है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, जो हमने अभी क्लास की रिकॉर्डिंग की थी पिछली रिकॉर्डिंग में, जो आखिरी सवाल हमने सॉल्व किया था, उसी का एक और सवाल यहाँ पे उसी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पे। सिर्फ फर्क ये है वहां जैन टू दिसंबर ईयर था, यहाँ पे जुलाई टू जून। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इस सवाल में ये तो नहीं बताया कि जून ईयर एंड है। भाई मैंने कहा ना, कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होता है। जब जुलाई से स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? जून में होगा। तो पहली अमाउंट पूरे साल की और दूसरी अमाउंट पे 3 महीने की, आप वही 9.8% आएगा, बिल्कुल सेम। इसने आपको कहा था, एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट बोली थी, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द क्वालिफाइंग एसेट, गिव नोट्स टू एक्सप्लेन योर कैलकुलेशन। नोट्स मतलब आपने कुछ वर्किंग करनी है, वर्किंग नोट्स। वर्किंग किसके लिए करनी है? एवरेज रेट के लिए। रेट निकालोगे, एवरेज रेट पे आप इसको कैपिटलाइज करोगे। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पास पेपर का सवाल। अब जितने भी सवाल है 7, 8, 9, 10, इनफैक्ट ये सारे सवाल आईसीएमए के पास पेपर के हैं। तो सवाल नंबर 7 आज का तीसरा सवाल, अहत लिमिटेड हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स एट December 31st 2012 ईयर एंड द प्रॉपर्टी
was nearing completion and the cost incurred to date were as under: material 500, labor 250, other directly attributable overheads 200, interest on borrowing 70. अच्छा, अब आप ये देखिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी पहले से बन रही है पिछले 10 महीनों से, लिखा हुआ फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, और नियर टू कंप्लीशन है। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग्स। कौन सी बोरोइंग है? अच्छा, आगे कहते हैं रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन या फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग अ कंस्ट्रक्शन। अमाउंट ऑफ बोरोइंग आउटस्टैंडिंग एट दिसंबर 2012 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज रुपीज 800 मिलियन। इंटरेस्ट रेट इज 10.5% पर एनम। ड्यूरिंग द सिक्स मंथ June 30, 2013, project was completed with the following additional cost incurred: material, labor, overhead इतना लग गया है, और you are required to calculate the following as per IS 23। देखिए, मैं सवाल को यहीं पे आपको almost explain कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल 2-4 मिनट है और आसान हो गई। अच्छा, फिर एक काम करते हैं भाई, अब ये रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन कर दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा फिर। अच्छा, मैं अगर रिकॉर्डिंग अभी पॉज करके जाता हूँ, वापसी में आएंगे, टाइम तो चलता रहेगा, तो 45 मिनट मेरा ख्याल है। इसको मैं फिर, इस रिकॉर्डिंग को मैं फिर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्या ख्याल है? ये रिकॉर्डिंग फिर फायदा नहीं है ना किसी रिकॉर्डिंग। हाँ, क्वेश्चन 7 को मैं बस ये कह दूंगा अगली रिकॉर्डिंग में कि भाई हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक। अच्छा, 7:18 मिनट हो रहे हैं, हमें तकरीबन नमाज में 15-20 मिनट तो लगते ही हैं, फिर ये कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा किसी को चाय वाय भी नहीं होती है। मैक्सिमम 7:50 इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। कल मैंने 7:45 बोला था और मैंने 7:45-46 पर कनेक्ट कर लिया था, और कल तो मैं घर से नीचे उतर के मस्जिद में मोहल्ले में नमाज पढ़ के आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी ये कि हमें यहाँ ऊपर जाना पड़ता है, 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ के इंशाल्लाह आना है। तो 7:19-7:20 ऑलमोस्ट हो रहे ऑनलाइन, इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर हाफ एन आवर। तकरीबन 7:50 पे आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं छोटे से इंशाल्लाह नमाज ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, विल बी देयर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और फिर इंशाल्लाह हम ओके सर।